हेलो दोस्तों कैसे हो आप आई होप आप हेल्दी होंगे फिट होंगे अपना और अपने फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे होंगे सो so बेटा कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन अभी कोई खत्म नहीं हुई है अभी तो हम पीक लेवल पे है लेकिन हाँ इसी वक्त अपने आप को संभालना है और अपना पूरा ख्याल रखना है सो so दोस्तों सबसे पहले तो ये कह दू कि कंपोजिशन लेवी के यहाँ दो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे शायद आप देख चुके हो और अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लेना क्योंकि कंपोजिशन ले ये चैप्टर रीस्ट्रक्चर हुआ है प्रोविजंस पहले भी थी लेकिन अमेंडमेंट में ये चैप्टर रीस्ट्रक्चर हुआ है और शायद टेन टू ए वगैरह तो ये चैप्टर यहाँ पे आ, मेरे हिसाब से आपने दो अच्छे से कर लेना है थोड़ा फास्ट स्पीड में कर लो अगर आपका ऑलरेडी हुआ हो लेकिन वो दो लेक्चर्स आप कर लो मैंने आपको ये भी कहा था यहाँ पे कि सर बाकी के अमेंडमेंट जो है आपके सवाल थे कि कब आएगी तो मैंने कहा था कि जैसे आई सी ए आई की स्टेचुटरी अपडेट्स आती हैं तो आई सी ए आई की स्टेचुटरी अपडेट्स आते ही मैं बाकी के अमेंडमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा नवंबर 2020 के हिसाब से कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स तो है नहीं लेकिन जितने भी अमेंडमेंट्स है मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा तो जहां तक हम ये बात कर रहे थे अबाउट स्टेचुटरी अपडेट्स चलिए तो हम बात करते हैं हमारे आई का स्टेचुटरी अपडेट्स इसका फर्स्ट पेज में आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और अमेंडमेंट्स जो है बेटा ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे Uh, यहाँ अमेंडमेंट्स जो कंपोजिशन लेवी छोड़ के आपको आई जो भी अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल हुई है वो अमेंडमेंट्स मैं 20 तारीख से उसके वीडियो लेक्चर और उसके नोट्स अपलोड करना स्टार्ट करूंगा फॉर सी ए फाइनल या सी एम ए या सी एस फाइनल बीस तारीख से आपको अमेंडमेंट्स नोट्स के साथ मिल जाएगी नोट्स कैसे मिलेगी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ना इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अमेंडमेंट्स जो है यहाँ ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस आई रिपीट ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस को सेम अमेंडमेंट्स है वैसे तो अब ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस जो है बेटा ऐसा कुछ नहीं रहा है ठीक है ओल्ड या न्यू सिलेबस ऐसा कुछ नहीं रहा है सबको एक जैसी अमेंडमेंट्स यहाँ अप्लीकेबल होगी नेक्स्ट बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर हमारा मई अटैम्प्ट था पर कैंसिल हुआ अब नवंबर में है तो क्या ये सभी अमेंडमेंट्स हमें करनी पड़ेगी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका मई अटैम्प्ट था भूल जाओ कैंसिल हो गया अब आपका पहला अटैम्प्ट जो है नवंबर ही समझो और सबको ये अमेंडमेंट्स आपको करनी पड़ेगी तो ये स्टेचुटरी अपडेट्स क्या कहती है इसका ये जो फर्स्ट पेज है मैं पढ़ना चाहूँगा इससे हम ये अपडेट समझना चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट क्या कहती है ना देखिए

and other legislative amendments made up to 30th april 2020 for customs okay provision of customs act 1962 and finance act 19 sorry customs tariff act 1975 as amended by finance act 2019 including significant notifications and circulars issued and uh, other legislative amendments up to 30th april 2020 now थोड़ा मैं इसको इलेबरेट करना चाहूंगा वो कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं दोस्तों यहां पे देखिए कि आपको जो नवंबर नवंबर 2020 थाउजेंड ट्वेंटी के लिए जो एक्ट अप्लीकेबल होगा वो यहां पे अप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2019 फाइनेंस एक्ट 2019 यह आपको एप्लीकेबल किया जाएगा ठीक है नाउ अमेंडमेंट्स हम इसमें दो इसमें बात करेंगे जीएसटी और सेकंड कस्टम्स जीएसटी और कस्टम्स जहां तक बात कस्टम्स की आती है बेटा तो या सभी जा आपको फाइनेंस एक्ट 2019 नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स ये थर्टीएथ अप्रैल, थर्टीएत अप्रैल 2020 तक के लागू हो जाएंगे यानी फाइनेंस एक्ट 2019 पूरा लागू होगा प्लस नोटिफिकेशंस और सर्कुलर आपको जो है थर्टीथ अप्रैल 2020 तक के आपको अप्लीकेबल हो गया अब बात करते जीएसटी की जीएसटी को मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं एक नोटिफिकेशन थोड़ा इसको और इलेबोरेट करके हम समझने की कोशिश करेंगे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स और फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2019 अब बेटा देखो क्या हुआ नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स इस पे आपको जो सवाल पूछा जाएगा आपके नवंबर 2020 थाउजेंड में इस पे जो सवाल पूछा जाएगा ये सभी नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स जो यहां पे 30 अप्रैल आई रिपीट आपको 30 अप्रैल थर्टी अप्रैल 2020 तक के जो भी नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स है इस पे आपको सवाल पूछा जाएगा अब आते हैं फाइनेंस एक्ट 2019। इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं सेक्शन के चेंजेस हुए हैं सेक्शन के चेंजेस जिसे हम लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स भी कह सकते हैं लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स भी कह सकते हैं अमेंडमेंट्स और ये लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स जो है अब फाइनेंस एक्ट 2019 में जो अमेंडमेंट हुई उसमें से कुछ अमेंडमेंट्स लागू हुई ओके इफेक्टिव डेट कुछ अमेंडमेंट्स की इफेक्टिव डेट जो है वो है एक जनवरी 2020 और कुछ अमेंडमेंट्स जो है

ओके okay, जो फाइनेंस एक्ट 2020 से हुए वो यहां पे 30 अप्रैल 2020 तक लागू नहीं किए गए थे क्योंकि कोविड 19 के वजह से पोस्टपोन कर दिए गए थे तो आपकी कट ऑफ डेट तीस अप्रैल दो होने की वजह से इवन दो वो कहते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2019 आपको लागू होगा पर फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू कुछ ऐसे सेक्शंस के चेंजेस जो 30 अप्रैल 2020 तक गवर्नमेंट ने लागू नहीं किए वो उस पर आपको कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा इसलिए ये इफेक्टिव डेट नॉट नोटिफाइड टिल थर्टीथ अप्रैल 2020। इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं मैं थोड़ा इसको और डिवाइड करूंगा जिसमें अमेंडमेंट्स हुई है अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग सेक्शन एग्जिस्टिंग सेक्शन एंड न्यू सेक्शन इंसर्टेड न्यू सेक्शन इंसर्टेड ठीक है अब जैसे सेक्शन टू फोर में सेक्शन बार बार नहीं लिखूंगा सेक्शन टू फोर थर्टी नाइन फिफ्टी उसके बाद में नाइन्टी फाइव वन जीरो टू वन जीरो थ्री वन जीरो फोर वन जीरो फाइव ठीक है, सॉरी, 105, 106, 106, ठीक है और कुछ नए सेक्शन ऐड हुए 101 ए 101 बी और 101 सी कुछ नए सेक्शन ऐड से हुए ये लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं ठीक है पर यह 30 अप्रैल 2020 तक अप्लीकेबल नहीं हुए इसलिए इस पे थाउजेंड 2020 में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा लेकिन बाकी ऑल अदर सेक्शंस जो भी अप्लीकेबल हुए अदर सेक्शंस जो है इस पे आपको ये हो जाएंगे और इस पे आपको सवाल पूछा जाएगा ये अप्लीकेबल हो जाएंगे और इस पे आपको सवाल पूछा जाएगा इसलिए अगर मैं इस चीज को ध्यान से पढ़ू तो देखो वो स्टार में क्या कहते हैं द अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 in the cgst and igst act have become effective from 1st of january 2020 however select amendments made by finance act 2019 namely amendment made in section 2 4 39 list islek 50 95 102 104 105 and 106 of cgst act And insertion of of new section 101A, 101B, 101C of have not been effective up to एंड therefore the same are not applicable for November ट्वेंटी examination. उसके ऊपर आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा तो ये लिस्ट ऑफ सेक्शन उन्होंने दिए कि जिसका सवाल नहीं पूछा जाएगा पर जो सेक्शन एक जनवरी दो हजार बीस से अप्लीकेबल हुए थे उस पर आपको सवाल पूछा जाएगा बात हुई क्लियर अब मैंने यहां पे टेबल दिया है और ये टेबल आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में लिंक दी हुई है वो लिंक में आप जब पे जाओगे तो उस फोल्डर में ये जो है शीट आपको मिल जाएगी इसमें मैंने फाइनेंस एक्ट 2019 में कितने सेक्शन में अमेंडमेंट्स हुए अब देखो पहला टेबल दिया है सेक्शन ऑफ फाइनेंस एक्ट और उस फाइनेंस एक्ट के सेक्शन के थ्रू सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन में क्या अमेंडमेंट हुई इसलिए आपको फाइनेंस एक्ट के सेक्शन नहीं पढ़ना है आपको सीजीएसटी एक्ट के कौन-कौन से सेक्शंस में अमेंडमेंट हुई थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019 ये दिया है इसमें मैंने लिस्ट बना के दी है कौन से सेक्शन एप्लीकेबल हुए और कौन से सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हुए एनए मैंने लिखा हुआ है एनए का मतलब वो सेक्शंस आपको एप्लीकेबल नहीं हुए हैं और बाकी जो एक जनवरी से 2020 है वो सेक्शंस आपको अप्लीकेबल हुए हैं अब एक बात आपको बताना चाहोगा जो बड़ी अजीब बात है कौन सी बात है देखिए मैं जस्ट मिनट अब आपको ये कहना चाहोगा कि सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी ये अप्लीकेबल हुआ है एक जनवरी 2020 से इसमें जो भी चेंजेस रिस्ट्रक्चर किया गया टेन टू एड किया होगा आपने दो कंपोजिशन लेवी के सेक्शन देख लिया है तो ये सेक्शन के चेंजेस आपको अप्लीकेबल है ये फर्स्ट फर्स्ट पेज पे जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया उसके बेस पर ऐसा ही ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मैंने लिस्ट दी है ये टेबल अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक से आप डाउनलोड कर लेना तो ऐसे जितने भी सेक्शंस हैं जो आपको अप्लीकेबल हो गए मैंने यहां पे दिए जो फर्स्ट जनवरी 2020 से अप्लीकेबल हुआ तो फिर हमारे आईसीए के अपडेट्स में सेक्शन टेन के चेंजेस कवर होने चाहिए थे क्या लगता है आपको होने चाहिए थे ना 22 के सेक्शन चेंजेस जो एक जनवरी से लागू हुए हैं, वो अप्लीकेबल वो कवर होने चाहिए थे लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा क्या देखो हमारी आईसीए पढ़ाई में नहीं हमें अभी भी कैसे कंफ्यूज करती है वो बात क्या है अगर आप यहां पे पूरा ये स्टेचुटरी अपडेट देख लो पूरा देख लो आप स्टेच्यूटरी अपडेट अब मैं स्क्रोल करके करूं क्या पूरा आप देख लो कंपोजिशन लेवी में जो सेक्शन टेन टू ए रिस्ट्रक्चर किया गया वो यहां दिया ही नहीं है कंपोजिशन लेवी में दो जो दो डेफिनेशंस ऐड की है वो यहां दी नहीं है हुआ ना कंफ्यूजन हुआ ना तो ये है हमारे आईसीए का काम जो कहती कुछ है करती कुछ अलग है तो अब पैराग्राफ में कहते हैं कि जो भी फाइनेंस एक्ट 2019 ने चेंजेस किए जो फर्स्ट जनवरी 2020 से लागू हुए वह आपको पूछे जाएंगे बस पूरी स्टेच्यूटरी अपडेट देख लो पूरे स्टेच्यूटरी अपडेट्स में सेक्शन टेन ट्वेंटी टू वगैरह किसी अमेंडमेंट्स उन्होंने कहीं कवर नहीं किए एक सवाल आपके सामने आएगा तो सवाल आपके सामने यह है कि क्या हमारी इंस्टीट्यूट स्पेशली जो स्टैचुटरी अपडेट्स आई सी ए आई की इंस्टीट्यूट की आई है क्या ये स्टैचुटरी अपडेट्स में सेक्शन टेन के चेंजेस 22 के चेंजेस क्या देना भूल गई मुझे तो लगता है कि हाँ भूल गई है आप पूरा स्क्रोल कर लो बेटा आप पूरा देख लो सेक्शन टेन जिसमें टेन टू ए ऐड हुआ और कुछ डेफिनेशंस ऐड हुई तो स्टेचुटरी अपडेट्स में कहीं पे कवर्ड नहीं है तो इंस्टीट्यूट भूल गई है डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्रिगेंडम आ जाएगा या एडिशनल अपेंडिक्स आ जाएगा जो इंस्टीट्यूट कुछ दिनों में बता देगी अगर इंस्टीट्यूट ने नहीं भी बताया तो भी ये अमेंडमेंट्स आपको लागू है आपको पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट बात यही थी कि ये सभी अमेंडमेंट्स जो स्टेचुरी अपडेट्स में नहीं भी दी गई होगी तो भी उनके जो पहले पैराग्राफ में दिया है उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि 1 जनवरी 2020 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो भी चेंजेस है वो आपको लागू किए जाएंगे और कौन से सेक्शंस एक्सक्लूड किए जाएंगे इसका भी डिटेल्स उन्होंने दिया जो मैंने आपको बताया ठीक है दोस्तों दूसरा आपका सवाल आ सकता है यहाँ पे कि सर अगर इंस्टीट्यूट का आगे कोई कगंडम नहीं आया तो फिर हम क्या करें तो तो भी आपको अननेसेसरी मुझे व्हाट्सअप नहीं करना है मैं अमेंडमेंट्स में जितना कवर कर रहा हूँ उतना आपको पढ़ना है और कंपोजिशन लेवी का जो रीस्ट्रक्चर हो के दो, दो नए लेक्चर्स मैंने डाले हैं वह आपको देखना है इसमें दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है इज इट क्लियर चलिए आपका और एक सवाल जो बार बार आता है वो है अबाउट क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन में चेंजेस हुए हैं उसके एडिशनल क्वेश्चंस आप दोगे आपने लास्ट वीडियो में कहा था यस yes, बेटा मैं उसके एडिशनल क्वेश्चंस आपको दूंगा उसके वीडियो सेशंस भी यहां कवर करूंगा सो so, दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपको जो दिया है इसमें जिन्होंने भी अप्रैल के बाद मेरा क्वेश्चन लिया है तो उसमें सिर्फ कंपोजिशन लीवी में मैंने चेंजेस किए थे बाकी चेंजेस करना बाकी था तो अभी मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन की शीट्स दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस में चेंजेस हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर के साथ और क्वेश्चन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा दोस्तों तो ये आपको एडिशनल क्वेश्चन की जो पी कॉपी है ये कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी लगभग 22 या 23 तारीख को आपको मिल जाएगी जिसके वीडियो सेशंस भी मैं लूँगा और आपके साथ डिस्कशन करूँगा सो डोंट वरी फॉर दैट उसके सभी क्वेश्चन जो अमेंडमेंट के हिसाब से चेंजेस हुए हैं इंक्लूडिंग कंपोजिशन लेवी उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसकी पी कॉपी भी आपको मिल जाएगी थोड़ा पेशेंस रखिएगा सब मिल जाएगा आ, अमेंडमेंट की नोट्स जो है जैसे कंपोजिशन लेवी की नोट्स जो लेक्चर्स आपने देखे उसमें दी थी ना उसी फोल्डर में मैं यहाँ पे अमेंडमेंट की नोट्स आपको ऐड करके दूंगा जिसके सेशंस हमारे बीस तारीख से चालू हो गए ठीक है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिल जाएगी दोस्तों उसके बाद में सर हमने अमेंडमेंट के लेक्चर आप से आपसे परचेज किए हैं Uh, जो 15 अप्रैल के बाद रेगुलर सेशन जिसने मेरे बाय किए या फास्ट ट्रैक कोर्स 15 जुलाई के बाद जिसने बाय किए उनको अमेंडेड लेक्चर्स ही मैंने प्रोवाइड किए तो क्या हमें फिर से देखने की ज़रूरत है क्या वैसे तो मैं कहूँगा नहीं लेकिन अगर अमेंडमेंट के लेक्चर्स आप अलग से देख लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इसका फ़ायदा ये होगा थोड़ा स्पीड में देख लो लेकिन इसका फ़ायदा होगा कि सभी अमेंडमेंट्स एक जगह फिर से अच्छे से हो जाएगी लास्ट सर ये स्टेचुटरी अपडेट्स में जो मे अटेम को अप्लीकेबल थे नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स वो भी कवर्ड है और जो नवंबर अटेम के लिए एडिशनल सर्कुलर्स है वो भी कवर है तो क्या हमें सिर्फ एक्स्ट्रा हम मे के कर चुके हैं तो एक्स्ट्रा नवंबर के यहाँ पे हमें अपडेट्स करना है तो क्या स्पेशली उसके वीडियोस हमको अलग से मिलेंगे क्या सो so, दोस्तों हाँ मैं मे और नवंबर दोनों के वीडियोस अमेंडमेंट्स रिलेटेड अलग अलग रिकॉर्ड करूंगा तो ये आपकी मर्जी कि आपको पूरा मई एज वेल एज नवंबर दोनों के देखना है तो आप दोनों के देख सकते हो या फिर ओनली फॉर नवंबर तो वो भी आप अलग से देख सकते हो उसके बाद में नेक्स्ट यहां अमेंडमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने आएंगे तो अमेंडमेंट्स के अगर कंपोजिशन लेवी छोड़ दिया जाए तो अप्रोक्सिमेटली तीन लेक्चर्स हो गए एक लेक्चर चार घंटे का होगा तो ऐसे तीन लेक्चर्स में आपकी सभी अमेंडमेंट्स सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन कवर हो जाएंगे ठीक है दोस्तों ये स्पेशली मैं आपको कह रहा हूँ कि ये उनके लिए है जिसका अटेम्प्ट यहाँ पे नवंबर आई रिपीट नवंबर 2020 एडिशनल अमेंडमेंट्स करना है लेकिन अगर आपको दोनों अमेंडमेंट्स करना है मे और नवंबर तो लेक्चर्स ज्यादा लग सकते हैं ठीक है दोनों मई और नवंबर तो लेक्चर ज्यादा लग सकते हैं दोनों लेक्चर्स अलग अलग आएंगे आपकी मर्जी आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है ठीक है तो चलिए तभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर टाइम मिलता है थोड़ा स्पीड बढ़ा के पर मे में क्या था और नवंबर में क्या अमेंडमेंट्स हुआ दोनों एक बार अच्छे से देख लीजिएगा पर अगर किसी को ओनली नवंबर के हिसाब से एडिशनल अमेंडमेंट्स देखनी है तो वो देख सकता है और जो स्टूडेंट्स ने अमेंडमेंट लेक्चर्स देख लिए हैं तो वो ना भी देखे तो चलेगा पर मैं उन्हें स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अमेंडमेंट्स देख लेना ठीक है तो चलिए आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है सो so दोस्तों नमस्कार अपना पूरा ध्यान रखिए और यहां पे सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो कीजिएगा स्टे हेल्दी स्टे फिट थैंक यू